अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरो खैरियत के साथ होंगे और जा रहे हैं खुश बात रहे हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज मैं मामू और बांजी का ड्रामे का ड्रॉप सीन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि जो मामू की अम्मा हजूर है ना, वो अपने घर में, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ना मकारन और झूठ बोलने का अवार्ड अगर किसी औरत को मिलना चाहिए या किसी बंदे को भी मिलना चाहिए तो उनको ना दें, बल्कि ये अवार्ड किसको मिलना चाहिए, इसका असल हकदार कौन है, वो है जावेद मामू की अम्मी हजूर। क्योंकि मैंने कुछ आगे चलकर ऐसा प्रूफ लगाया हुआ है, आप अपनी आंखों से पढ़ सकेंगे, कल वाली बात को लेकर जब ये मकारन औरत, जब ये बगोड़ी औरत ड्रामे कर रही थी कि मेरी दाढ़ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जो बेहोश हो गई थी, दरअसल ये बेहोश इसी वजह से हुई थी कि बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं कि नदीम भाई की शादी हो रही है और इस भगोड़ी औरत से नदीम भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये चाह रही है कि नदीम के घर से पहले पहले हमारा घर भी बनना शुरू हो जाए, तो इंशाल्लाह ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, पाया तकमील तक हरगिज़ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जो होता है ना बंदा झूठा, अल्लाह पाक इसी दुनिया में ना उसको जलील व ख्वार करते हैं, जिस तरह से भगोड़ी औरत ने किया ना, इंशाल्लाह आप लोग देखना कि इसका अंजाम कैसा होगा, ये औरत इसी दुनिया में अपना किया भुगतेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों के सामने जी कल एक वीडियो आई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, जारी बात है क्योंकि मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि सिस्टर आपने वीडियो नहीं देखी साबरा की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो जाके देखें, क्योंकि उस वीडियो में साबरा और मामू के झूठ का ड्रॉप सीन हो रहा है। तो मैं उस टाइम स्कूल थी, क्योंकि हमें छुट्टी जो है ना वो आजकल 1:30 बजे तक हो रही है, तो मैं स्कूल भी थी। पहली वीडियो का मैंने स्कूल में ही वॉइस ओवर किया था, शायद आप लोगों को बात समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, क्योंकि उस टाइम बच्चे थे नहीं थे क्लास में, क्लासरूम वो खाली था, वहाँ मैंने वॉइस ओवर किया था, इस वजह से कुछ चीखता चिखाड़ता सा आवाज़ था। तो मैंने देखी है वीडियो, फिर अभी मैं थोड़ी देर पहले घर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर अपने ये ना रिव्यू दूँ, तो ये गई थी डॉक्टर के पास। पहली बात है कि कौन सा डॉक्टर है जितना भी जान पहचान वाला हो, उसके पास लाखों की उसके पास तो लातादाद किस्म के आते हैं पेशेंट। अब अगर वो 100 पेशेंट उसके पास आए तो वो 100 पेशेंट कोई पिलाता रहे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उसका तो कबाड़ा निकल गया ना। और ये बहुत ही VIP के झूठे किस्म के लोग थे, ये कहाँ पे गए थे, और इन लोगों को जी कोल्ड ड्रिंक्स मिली थी। 3 ये बंदे थे, एक साबरा, एक जावेद की अम्मी और एक जावेद, और इन्होंने खुद अपने लिए वो कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी, डॉक्टर ने उनको ठेंगा दिया था। ए वही ये बनाता रहता है खुद को, पता नहीं किस ये उठ के आया है किसी ऐसी गद्दी निशीन से, और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आला नस्ल का ये है वो बैल है, बहुत ही आला नस्ल का ये सांड है, वो जो नस्ल है वो बहुत नायाब है, वो मिलती नहीं है, और इस सांड को पैदा करने वाली जो माँ है वो भी किसी को नहीं मिलती होगी, उसी ने कोल्ड ड्रिंक्स बनाई है, क्योंकि ये सांडी और सांडा और झोटी जो है ना ये हमारे क्लिनिक में आए हैं, और इन जैसी नायाब नस्ल आजकल मिलना मुश्किल है, तो उसने अपने काबू में करने के लिए, तो आगे उसकी अफजाइश करने के लिए इन तीनों को उधर अपने हॉस्पिटल में रखा था, आगे आप समझ गए। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स बनाई थी, झूठ बोलता है ये डॉक्टर ने बनाई है, डॉक्टर की जूती भी नहीं तुम लोगों को पिलाए, कोल्ड ड्रिंक्स तो कोल्ड ड्रिंक, मैं तो कहती हूँ जहर का टीका लगा दें आप लोग झूठे मक्कार लोगों को, और माँ की आप लोग देखें बेगैरती, मैं किसी भी ऐसी औरत पे माँ पे मैं कभी रिएक्शन नहीं करती, लेकिन मैं देख देख के ना आप यकीन करें कि मैं तंग आ चुकी हूँ। एक तरह से ये कहते हैं कि हमारी माँ है, उसने कुरान पाक सब लोगों को पढ़ाया है, पूरे विलेज के बच्चों को कुरान पाक मेरी माँ ने पढ़ाया है, तो मैं कहती हूँ कि माँ ने अगर कुरान पाक पढ़ाया, कुरान पाक की तालीम माँ जानती है, तो माँ को यह भी पता होगा ना कि कुरान पाक में तो इस बात का जिक्र मौजूद है
कि झूठ बोलने पर खुदा की लानत होती है और झूठ बोलने वाले को कभी अल्लाह पाक साथ नहीं देते। तो फिर भी ये औरत जिसकी आधी टांगें बाहर है और आधी कब्र में है, फिर भी ये औरत झूठ पे झूठ बोली जा रही है। ये औरत इनके साथ हॉस्पिटल गई थी, आगे चल के आप लोग देख भी सकेंगे कि उसके नाम की वो स्लिप बनी हुई है। इसका नाम है जुबैदा बीबी और जुबैदा बीबी का ही चेकअप करवाने के लिए गए थे, वो बीमार थी तो डॉक्टर के पास लेकर गए ना। ये औरत अच्छी खासी 70-80 साल की ये औरत है, जावेद की माँ, और उस स्लिप में लिखा हुआ है कि 50 ईयर्स 50 साल इसकी एज है। कोई झूठ की तुक बंदी, ये झूठे, मैं हमेशा कहती हूँ कि इनके घर में झूठ ही गूंदा जाता है, झूठ ही हांडी में पकाया जाता है, और ये झूठ को एक तड़का लगा के ना वही मज़े से खाते हैं। इनकी आने वाली सारी नस्लें भी इसी झूठ पे ही पलेंगी। तो इसको देखें कि ये बीमार होके उधर गई थी मेडिसिन, अल्लाह जाने दांत की लेने गई थी, किस चीज़ की लेने के लिए गई थी। तो वहाँ पे जाके ये छुपा नहीं सका है क्योंकि कैमरा इसके हाथ में होता है, और ठीक है ठीक है करे करते करते ना इसका वो जो नाम वाला था ना वो सामने आ गया, तो मैंने वो स्क्रीन शॉट ले लिया। अब आप बताएं कि ये इनको घर चाहिए। अब ये औरत कह रही है कि बेटा भी चला जाए मेरे घर से, और ये बछड़ी जो मेरे बेटे ने पाली हुई है वो भी घर से चली जाए, और हम लोगों को एक घर मिल जाए, इनको निकाल के घर से एक माँ जाएगी घर। आप समझिए कि एक माँ अपने बेटे को घर से निकाल कर उस घर में जाएगी। माँ तो वो होती है ना कि बच्चे अगर बड़े भी हो जाएं, सभी औलाद भी हो जाएं, आंख से ओझल हो जाते ना, तो माँ के जान पे बन आती है। माँ कहती है कि अभी तक नहीं आए, कहाँ गए, क्यों नहीं आए। और इस माँ का तकाजा देखें कि ये माँ तब घर में जाएगी जब ये किसी और में जगह जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी डिमांड है मेरे बच्चे को भीग दो। अब ये जुबैदा बेगम चौराहे में अपनी झोली फैला के बैठ गई है, कहीं से भीख आए और मेरे इस सांड को और मेरी इस बछड़ी को झोटी को मिल जाए। सबसे बड़ा जो झूठ का करिंदा है वो इनकी अपनी माँ है। शर्म नाम की इस औरत में चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी मकारन फराडन जो रात को रोज़ाना भीख मांगती है रेहाना, उसकी मक्कारी आप देखें कि वो इसमें बराबर हिस्सा अपने डाल रही है। मैं कहती हूँ ना कोई अच्छा सा टाइम निकाल करना, आप सब डूब के उस जो आपके पास एक खाला बहता है ना उस पानी में डूब के आप मर जाओ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना आप रहोगे तो ना आपको सर छुपाने के लिए छत चाहिए था। अल्लाह के दिए हुए पे कनाद करते हैं, नहीं कि वो अपनी चादर से पाँव बैर फैला लेते हैं। तो इस औरत को, इस बूढ़ी औरत को अल्लाह पाक हदायत ही दे, जो इतना बड़ा झूठ बोल रही है अपने इस कक्कड़ जोर पे जो जसांड से भी ज्यादा है, उसको बोलो बेटा मरो बाहर जाओ वहां से कमा के लाओ। किसी की औरत को, किसी की बीवी को घर से भगाते वक्त तुम्हें मौत नहीं पड़ी तो कमाते हुए भी तुम्हें मौत नहीं पड़ेगी। बाहर जाओ, मेहनत मजदूरी करो, ये तुम्हारी 8 महीने का जो आगे पेट निकला हुआ ना ये तो गल जाए ना। तो इसी पे कैमरा फोकस होता है, वो आगे से ड्रामा करने शुरू हो जाती है, बंदरिया आगे से नाचना शुरू कर देती है। बच्चों को छोड़ के आई हुई है और सिर्फ इस बंदर को, इस कक्कड़ जोड़ को, इस 8 मन के सांड को, इस काले कोबरे को पालने के लिए ये आई हुई है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें, ताकि उन झुके वाले और उन ओवरसीज तक मेरी वीडियो पहुँचे जो इन लोगों के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखते हैं। तो इसी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी वो भी धमाकेदार किस्म की होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने इस मसीनी तस्लीम का मैं बांटा फोड़ने वाली हूँ। तो अब चाहती हूँ ज़्यादा अल्लाह हाफिज़।